अस्सलामुअलैकुम, महा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम अपने साइंस सीरीज का एक लेक्चर डिस्कस करेंगे, पीएमएस 2019 का। मैंने आप लोगों के साथ पिछले लेक्चर के अंदर एक पेपर डिस्कस किया था, लेकिन उसके सिर्फ चंद क्वेश्चन थे जो डिस्कस किए थे, बाकी व्हाइट बोर्ड पे पूरे नहीं आ रहे थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। आज के जो क्वेश्चन कुछ रहते थे साइंस के, उन्हीं को डिस्कस करते हैं पीएमएस 2019 के पेपर में से। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किस चीज़ की वजह से डैमेज होते हैं, किसकी वजह से ज़्यादा डैमेज होते हैं। वो लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से बता देती हूँ आप लोगों को, कि हमारा जो एसी ड्रेन है, एसी ड्रेन क्या होती है? एसी ड्रेन एक रेन की एक टाइप है जिसके अंदर जितनी भी अर्थ के ऊपर फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं उनकी वजह से जो स्मोक निकल रहा होता है या अंदर से जो धुआं वगैरह निकल रहा होता है, तो उसकी वजह से अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, जिस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड हो गई या फिर जिस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, जब ये उड़ के ऊपर जाती हैं तो जाकर जब रेन के वाटर के साथ ये आपस में मिल जाती हैं तो वहां पे बनती है एसिड रेन। एसिड रेन फिर जमीन के ऊपर जब दोबारा बरसती है तो उसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात हमारे होते हैं, फर्टिलिटी बहुत उसकी वजह से इफेक्ट होती है, इसके अलावा हमारी बिल्डिंग्स वगैरह को बहुत इफेक्ट होता है, बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों ने अक्सर पढ़ा भी होगा, तो मैं इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने कहा था कि एसिड रेन का सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक लफ्ज बोला है एसिड रेन, ठीक हो गया। रेन के अंदर क्या है? एसिड है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से बन रहा होता है। जब वो जमीन के अंदर ऐड होता है तो जमीन की ऑब्वियसली क्या होगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी जब जमीन की बढ़ती है तो उसके ऊपर जो दूसरे अंदर सॉरी जमीन के अंदर या सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं, वो प्लांट्स को ठीक तरह से अवेलेबल नहीं होते, ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो लीवर है, जो जिगर होता है, इसका इन्फ्लेमेशन की जब हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, उसको हम कहते हैं हेपाटाइटिस। तो लीवर से रिलेटेड एक और डिजीज भी है सिरोसिस, वो अक्सर पेपर के अंदर आती है। और लीवर से रिलेटेड दो क्वेश्चन ये है कि लीवर हमारा ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर इसका क्वेश्चन ये है कि ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है ह्यूमन बॉडी का। अगर आपसे वो पेपर के अंदर पूछता है कि इंसानी जिस्म का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, आप लोगों ने कहना है स्किन, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो साथ इंटरनल का लफ्ज यूज कर लेता है तो आप लोगों ने कहना है लीवर। लीवर जो होता है ना, ये तकरीबन इसके 500 प्लस इसके काम होते हैं, ये बहुत सारे काम कर रहा होता है। जिस तरह से हमारे अगर रेड ब्लड सेल्स डेड हो गए हैं तो उनको ये खत्म कर रहा होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत से विटामिन वगैरह को स्टोर कर रहा होता है, बहुत सारे और दूसरे फंक्शंस होते हैं इसके। फिर उसके बाद है कुछ एग्रीमेंट, एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ये 2015 के अंदर हुआ था। अच्छा, ये जो क्लाइमेट एग्रीमेंट टाइप्स होते हैं ना, ये इस वजह से होते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हमारा क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, इसके अलावा ये क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं इनका पर्पज यही होता है कि जो वो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका जो निकल रही है तो उनको कम किया जाए, मतलब कि उनका जो फैक्ट्रीज वगैरह से अगर वो निकल रही है तो उसके ऊपर या तो कोई फिल्टर टाइप लगाया जाए ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो, ये जो ग्रीन हाउस बन रहा है वो ना बने, इस वजह से क्लाइमेट चेंज ना हो, तो इस वजह से ये एग्रीमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट था ना, तो इसमें तकरीबन सिग्नेरिटीज जो मतलब जिन्होंने साइन किया था वो तकरीबन 195 कंट्रीज थी। फिर उसके बाद दूसरा इसी से रिलेटेड एक और भी प्रोटोकॉल था, एग्रीमेंट आया था, वो था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये वैसे साइन हुआ था 1997 के अंदर, लेकिन अडॉप्ट हुआ था ये 2005 के अंदर। इसका भी पर्पस यही था कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनकी कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए स्टेप्स अडॉप्ट किए जाए। उसके बाद एक समिट था, रियो समिट, अर्थ समिट, आप याद करें मैंने आप लोगों के साथ जीके सीरीज के अंदर जब हम ब्राजील पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था रियो डी जेनेरियो का, जिस दिन हम कैपिटल्स को डिस्कस कर रहे थे कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां पे एक समिट हुआ था। वो समिट पूछना चाह रहा है कि कब हुआ था, मतलब किस मंथ में, किस ईयर में, तो वो हुआ था जून 1992 में। उसके बाद है साउंड स्पीड एयर के अंदर पीपीएससी के अकॉर्डिंग 1235 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे कि
जो स्पीड होती है एयर की, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब वाटर जो है, वाटर की डेंसिटी एयर की निस्बत ज्यादा होती है ना, तो इस वजह से जो वाटर है, वाटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। फिर उसके बाद एंजाइम्स, एंजाइम्स हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये हमारी मेटाबॉलिज्म में, हमारी जब हम कोई चीज खाते हैं तो उनको, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं हमारे एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो है प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आप लोगों को पता है अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। अब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, या फिर जिस तरह से फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। अच्छा, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये छोटे छोटे कुछ होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। अगर हम प्रोटीन का देखते हैं कि किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, वो होता है अमाइनो एसिड्स। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एंजाइम का बेसिक यूनिट क्या है, तो आप लोगों ने कहना है कि, मतलब पूछ लेता है कि आप लोगों के ये किस चीज के पॉलीमर्स है, तो आप लोगों ने कह देना है अमाइनो एसिड के। ठीक हो गया। उसके बाद है कि ह्यूमन ब्रेन जो है, इसके अंदर वाटर कितना होता है। पीपीएससी के क्वेश्चन ये, इसके अकॉर्डिंग पीपीएससी के 73%। और इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन और है कि मेल का ब्रेन जो है उसका कितना वेट होता है, 49 औंस, और फीमेल का होता है 44। मुझे लगता है इसी वजह से, शायद वो कहते हैं ना कि फीमेल में अकल कम होती है, तो मुझे लगता है इसी वजह से उसका, मतलब शायद वेट कम है। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर काफी अच्छी इसकी कंसंट्रेशन पाई जाती है नाइट्रोजन की, शायद 78%। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन प्लांट्स जो है ना इसको ऐसे ही नहीं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में, तो ऐसे नहीं ले लेते। पहले नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है, होना होता है कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनमें से नाइट्रेट, नाइट्राइट्स वगैरह। ज्यादातर प्लांट्स जो है अमोनिया नाइट्रेट की फॉर्म में ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर चेंज होते हैं, उसके बाद प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। तो अमोनिया का फार्मूला देख लें, NH3, अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। इसी तरह से जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट का फार्मूला है NO3-, और नाइट्राइट का जो है N2O-, ये अक्सर पेपर इंटरव्यू के अंदर, पेपर के अंदर पूछ लेते हैं। उसके बाद है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जो है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन ही होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि डिफ्यूजन ऑफ पोलन एंड ओव्यूल, एग जो उसमें होता है। अब उसमें यू होता है कि जब प्लांट्स के अंदर जो स्टेमन्स है, स्टेमन्स के ऊपर पोलन्स मौजूद होते हैं, पोलन्स जो है ये ओवरी के अंदर आते हैं, ओवरी के अंदर आकर ये वहां पे फ्यूज हो रहे होते हैं, तो बाद में इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होती तो वहां पे फ्रूट जो बनता है वो विदाउट सीड्स बनता है, मतलब सीड वहां पे नहीं बनता। ठीक हो गया। मतलब ओव्यूल की वहां पे फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रही होती। फिर उसके बाद इसी से रेलिवेंट एक और भी होती है, पार्थिनोकार्पी से रिलेटेड एक टर्म होती है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है वो प्रोडक्शन ऑफ सीड्स होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक हो गया। सीड उसमें प्रोड्यूस होते हैं लेकिन फ्यूजन के बगैर। उसके बाद है कि डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट को, मतलब इसके लिए इंटरनेशनल डे कौन सा है, 17 जून। इसके अलावा जून से रिलेटेड और क्वेश्चन भी है, एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। और इसके अलावा है वर्ल्ड ओशन डे, 8 जून। उसके बाद है डेंगू जो है ये एक मॉस्किटो है, उसकी फीमेल की वजह से, एडिस एजिप्टाई की वजह से ये होता है डेंगू। और डेंगू इसी तरह मलेरिया जो है, मलेरिया एक जीनस है, एक ग्रुप है एनोफिलीज का, उसके फीमेल्स की वजह से होता है। अच्छा, ये जो डेंगू और मलेरिया है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से डिजीजेस बढ़ रही हैं। ज्यादातर ये जो जिस तरह से केपी के हो गया, वहां पे फ्लड की वजह से ये इसकी काफी वहां पे केसेस हो रहे हैं, केसेस नोट किए जा रहे हैं। उसके बाद किडनी है। किडनी जो है ये किडनी का लिखा हुआ था कि किडनी और ब्लैडर, इस तरह से किडनी बनी होती है और यहाँ पे ब्लैडर होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी किडनी होती है। वो कह रहा है कि किडनी और ब्लैडर आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, ये इस यूरेटर की वजह से, दिस इज कॉल्ड यूरेटर। ठीक हो गया। यूरेटर मतलब ये एक जो क्या इसको कैसे वेन टाइप आप कह लें। ठीक हो गया। उसको हम कहते हैं यूरेटर। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किडनी के अंदर बेसिक इसका यूनिट क्या है, नेफ्रोन। अब नेफ्रोन का वो पूछ सकता है कि आप लोगों से कितने होते हैं, तो वो तकरीबन होते हैं 1 मिलियन तक।
उसके बाद है एडवर्ड जैनर, ये इन्होंने 1796 के अंदर फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी और वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट थी। उनकी देख लेते हैं कि ये यूके से बिलोंग करते थे और 1749 के अंदर इनकी बर्थ हुई थी, मतलब पैदा हुए थे, और इनकी डेथ हुई है 1829 के अंदर। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस जो है ये पैंक्रियाज से रिलीज होता है, लेकिन वो पूछ रहा था वो किस चीज के अंदर जाके एंटर होता है, ठीक, मतलब रिलीज कहाँ पे किया जाता है, ये कहाँ पे काम वो कर रहा होता है, तो वो है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो है एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके तीन पार्ट्स बने होते हैं, तीन इसके मेजर डिविजन्स होती हैं, उसके अंदर एक होता है ड्यूडिनम, जुजिनम और इलियम। अब ड्यूडिनम समझ आ गई ना, यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे वर्क कर रहा होता है, फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद है यीस्ट की मेकिंग के अंदर, ब्रेड के अंदर यीस्ट मेकिंग, यीस्ट को सॉरी यूज किया जाता है ब्रेड मेकिंग के अंदर। अब यीस्ट क्या है, यीस्ट बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, ये फंजाई है, फंजाई ग्रुप होता है, जैसे फंगस। ये भी किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि मेरा मेजर भी वही था। तो वहां पे वो कह रहा था यीस्ट जब हम यूज कर रहे होते हैं तो वो ब्रेड के अंदर क्या चीज है जो रिलीज कर रहा होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वहां पे ब्रेड वगैरह बन रही होती है, या वो जब फूल जाती है या उसका डो अच्छी बन जाती है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राई आइस जो है इसका फार्मूला क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के अंदर मैंने बता दिया कि पहले फर्टिलाइजेशन होती क्या है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन जब होती है तो फ्रूट किस चीज से बनता है, एक फ्लावर के अंदर एक ओवरी होती है, ओवरी से बनते हैं फ्रूट, और ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स से बनते हैं सीड्स, ठीक हो गया। उसके बाद है इथियोपिया के अंदर फैमिन, इथियोपिया फैमिन जो है कि 1983 के अंदर आया था, और इसकी मेजर कॉज ड्राउट वगैरह बहुत सारे रीजन है जिसको काउंट किया जाता है, और इथियोपिया का एडिस अबाबा इसका कैपिटल। और इससे फैमिन से रिलेटेड एक फैमिन एक और है, बंगाल फैमिन, बंगाल फैमिन जो है 1943 के अंदर आया था बांग्लादेश के अंदर, और इसके बंगला सॉरी बंगाल में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर एक राइस, राइस जो होती है ना, मतलब चावल, चावल की क्रॉप के ऊपर ब्राउन स्पॉट डिजीज का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, डैमेज हो गई थी, तो उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, ठीक हो गया, क्योंकि उनका जो फूड है, जिस तरह से हमारी मेजर है हम वीट को, तो वो ज्यादा राइस पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ब्लड के अंदर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन ब्लड, फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके अलावा यहाँ पे प्लेटलेट्स होते हैं। तो उससे रिलेवेंट प्लेटलेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा होता है, तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आप लोगों को पता है ना, जब मतलब कहीं चोट लगे, इंजरी हो जाए, तो वहां से ब्लड जब रिलीज हो रहा था तो उसके ऊपर मतलब उसको रोकने के लिए, उसको कॉगुलेट करने के लिए ज्यादातर प्लेटलेट्स यूज होते हैं। और प्लेटलेट्स की स्पैन कितना, लाइफ स्पैन कितना होता है, 7 to 10 days, रेड ब्लड सेल्स का 120 days। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, वैसे क्वेश्चन था, मैस्टिकेशन कहते हैं, इसे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा था इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया। उसके बाद है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है ज्यादातर सेल्स के किस टेम्परेचर पे डाई होते हैं या खत्म हो जाते हैं या इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वो 102 degree Fahrenheit पे डाई हो जाते हैं। तो पास्टराइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, ये ज्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क के लिए यूज किया जाता है। मुझे इसकी आप लोग चैट बॉक्स के अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दें। फिर उसके बाद है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, वो पूछना चाह रहा था कि कलर कौन सा होता है, इसका कलर है ब्राइट रेड। अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आप लोगों का बैकग्राउंड थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, ठीक हो गया। जब हम सांस लेते हैं, अब मैंने सांस ली, ऑक्सीजन जो है ये तो चली गई लंग्स में, तो पूरी बॉडी को कहां से मिलेगी, तो हमारी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो वहां से लेती हैं ऑक्सीजन, और पूरे ब्लड, पूरे जो ह्यूमन बॉडी है उसके सेल्स को जाके वहां पे ऑक्सीजन को थ्रो कर देती है, उनको प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। अब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर क्या, अब उसने पूछा हुआ है कौन सा है, ब्राइट रेड। उसके बाद है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसके एलिमेंट बने लिखते हैं कि ये प्रोटीन है।
उसके बाद पेप्सिनोजन जो है ये स्टमक के अंदर किस चीज में कन्वर्ट होता है, वो पेप्सिन के अंदर, यहीं से आप लोग याद कर लें। फिर उसके बाद है HCl, हमारे जो स्टमक है उसके अंदर आप लोगों को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, फूड की डाइजेशन वगैरह के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि किन सेल से रिलीज होता है, ये ऑक्सेंटिक सेल से रिलीज होता है। फिर उसके बाद है एक इब्ने ज़करिया राजी, इसका ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ईरान से बिलोंग करते हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं 830-854 AD। और एक और क्वेश्चन भी था उसके अंदर, कुछ ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो लिखना भूल गई हूँ। वो ये था कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर 97% तकरीबन साल्ट वाटर है और 3% लेस देन 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है। अब ये फ्रेश वाटर या फिर ओशंस के अंदर क्या परसेंटेज होती है, आप लोगों ने ये भी मुझे चैट बॉक्स में बताना है। मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग कैंडिस का स्क्रीनशॉट ले दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।